हमारे छत्तीसगढ़ के गांव में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। आज मैं आपको एक ऐसी गांव की कहानी जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को पता चला तो सूचना के अधिकार की जानकारी लेकर सचिव सरपंच के खिलाफ निलंबन के लिए कार्रवाई करने के लिए विभागीय स्तर पर शिकायत किया गया। विभाग के द्वारा उचित कार्रवाई किया गया और सरपंच सचिव को निलंबन किया गया। ये काफी गंभीर मुद्दा है। आपके सरपंच को क्यों निलंबित किया गया? निलंबित क्यों मोर मालूम नहीं है। जब पेपर में दिखी तब पता चलिस कि निलंबित हुई है सरपंच। नए सरपंच का चुनाव कैसे किया गया? नया सरपंच के चुनाव जब मीटिंग वाला आ रही ना, तब हमारे मीटिंग टाइम से जाए जाए जाके देखते हम, तब हम लोग मालूम नहीं कि नया सरपंच आज चुन ही गए के। कार्यवाही सरपंच अभी आप हैं। हाँ। चुनाव किसके द्वारा किया गया? पंच के द्वारा। कितने पंचों ने किया? 13 पंच। लिखित में कोई आदेश है आपके पास? सरपंच चुना गया है तो गांव के सियान और वार्ड पंच के द्वारा चुना गया है। मेरे पास कोई लिखित नहीं। सरपंच के बारे में हम लोग मूलभूत के रिकॉर्ड का सूचना का अधिकार निकाल रिकॉर्ड निकाले, तो रिकॉर्ड में हमको यही पता चला कि प्रकाश ट्रेडर से दुकान बासन में बताया गया, वहाँ भी नहीं है दुकान सुनाम का। भटवारा में है मुर्मीकरण चबूतरा निर्माण, वहाँ भी नहीं हुआ पाया। ये सब खाली स्थान को देखे, इसके लिए हम लोक आयोग में शिकायत किए। निलंबित होने के बावजूद अभी पैसा फिर निकाला है सरपंच। कितना पैसा निकाले हैं? 2,71,000 बता रहे थे। एक तरफ भ्रष्टाचार के प्रकरण में उसे कलेक्टर द्वारा निलंबित किया जाता है, लोक आयोग के इसकी रिपोर्ट की जाती है। दूसरी तरफ उसी भ्रष्टाचार सरपंच को आर्थिक क्रियाकलाप करने के लिए कैसे अधिकृत किए हैं? मैंने बताया इनको अधिकृत करता थोड़ी ना, वो तो सीधी सी बात है कि हमको पत्र विलंब से मिला, विलंब से मिलने के कारण निलंबित सरपंच को हटा दिया गया, उसके जगह दूसरे को सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया और अभी तक कोई चेक काटने वाली काम हुई नहीं। बासनवाही पंचायत से जो आवाज उठी है, अपना खुद के प्रयास किया जा रहा है, सरकार के भरोसे पे नहीं है, ये काफी सराहनीय बात है, जिससे आम जनता को ताकत मिलती है और आने वाला पंचायत प्रतिनिधियों के लिए भी एक सबक है। मैं चाहती हूँ कि इस तरह से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारे आदिवासी लोग आगे आए। मैं भानसा हूँ छत्तीसगढ़ इंडियन हट के लिए।